नमस्कार, आओ सीखो के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत। मैं हूं कैलाश शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं स्पोकन इंग्लिश की सबसे पहली चीज ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन। सभ्य समाज में मिलते ही ग्रीट करने की यानी नमस्ते या सलाम करने की परंपरा है। अंग्रेजी में इसे विश्वकर्मा भी कहते हैं। विश्वकर्मा यानी दुआ करना, शुभकामना देना कि आपकी सुबह अच्छी हो, आपका दिन शुभ हो या आपकी रात अच्छी कटे। इसीलिए स्पोकन इंग्लिश में हम सीखते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट और गुड बाय। जाहिर है हर विश की शुरुआत गुड से हो रही है। गुड यानी शुभ यानी अच्छा होता है, इसीलिए इन्हें शुभ कामना देना बोला जाता है, क्योंकि हम किसी के शुभ की अच्छे की कामना करते हैं। आइए समझें कि स्पोकन इंग्लिश में कब कब यानी किस समय में क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि हिंदी में तो हर समय हम लोगों को नमस्ते कहकर अभिवादन कर देते हैं, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। मोटे तौर पर गुड मॉर्निंग सुबह, गुड आफ्टरनून दोपहर को, और गुड इवनिंग शाम को, और गुड नाइट रात को बोला जाता है। लेकिन इसकी बारीकी में जाने पर हम चौंक जाते हैं कि गुड मॉर्निंग रात की 12 से दोपहर की 12 तक मिलने पर बोला जाता है। जी हाँ, मिलने पर ही बोला जाता है। रात की 12 बजे से दोपहर की 12 बजे तक केवल मिलने पर, बिछुड़ने पर नहीं। इसी प्रकार दोपहर की 12 के बाद शाम ढलने तक यानी लगभग 5 बजे तक गुड आफ्टरनून बोला जाता है, वो भी मिलने पर। इसके बाद गुड इवनिंग और गुड नाइट दोनों बोले जाते हैं, अंतर एक ही है, मिलने पर गुड इवनिंग और बिछुड़ने पर गुड नाइट। यह चलता है रात की 12 बजे तक। यह बात सुनने में अटपटी लग सकती है कि शाम को 5-6 बजे विदा लेते समय लोग गुड नाइट क्यों कह देते हैं, जबकि उस समय तो नाइट होती ही नहीं। और इसी तरह 8, 9 या 10 बजे जब लोग मिलते हैं तो गुड इवनिंग क्यों कह देते हैं, जबकि उस समय तो इवनिंग यानी कि शाम होती ही नहीं। है ना कुछ अजीब सी बात। इसका एक कारण है। सच्चाई यह है कि ढलती शाम से आधी रात तक एक ही रूल है, मिलो तो बोलो गुड इवनिंग और विदा लो तो बोलो गुड नाइट। और इसके पीछे कारण यह है कि गुड बाय गुड नाइट का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि जब हम गुड नाइट कहते हैं तो उसमें गुड बाय शामिल होता है। इसीलिए किसी से भी मिलते ही उसे गुड नाइट बोलना न केवल अटपटा बल्कि गलत कहा जाएगा। हम किसी से मिले और उसे कहा गुड नाइट, मतलब हमने उससे मिलते ही विदा लेने की बात कह दी। इसीलिए हम गुड नाइट को बचा कर रखते हैं बाद में विदा लेते समय विश करने के लिए। दिन में विदा लेते समय इसी तर्ज पर गुड डे भी कहा जा सकता है, पर 80% केसेस में गुड बाय या बाय या बाय बाय पसंद किया जाता है। मैं दोहरा दूं, 80% केसेस में गुड बाय या बाय या बाय बाय पसंद किया जाता है और वही बोला भी जाता है। गुड बाय यानी अलविदा होने से इसे किसी समय के साथ जोड़ना जरूरी नहीं है। गुड बाय तो कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन केवल बिछुड़ते समय। एक सवाल मेरे विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं, जैसे बिछुड़ते समय हम कभी भी गुड बाय बोल सकते हैं, वैसे ही मिलते समय क्या कोई ऐसा शब्द है जो इंग्लिश में बोला जा सकता है जो नमस्ते जैसा हो? ऐसा कोई शब्द अंग्रेजी में है भी या नहीं, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इस सवाल का उत्तर है हाँ भी और ना भी। एक्चुअली वह शब्द है हेलो, परंतु हेलो के साथ एक लिमिटेशन है, एक सीमा है, और वो यह कि इसे फॉर्मल यानी औपचारिक माहौल में प्रायः नहीं बोला जाता।
अनौपचारिक माहौल में हमेशा हेलो ही बोला जाता है और कहीं कहीं औपचारिक यानी फॉर्मल माहौल में भी यह अलाउड होता है, यानी कि इसकी अनुमति होती है, इसे पसंद किया जाता है। आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि कहां पर क्या चलता है और क्या नहीं, यानी हर ऑफिस में, हर सिचुएशन में, हर वातावरण में यह चीज बदलती रहती है। हेलो तो एक अनूठा शब्द है जिसे फोन पर लोग हिंदी में भी बोलते हैं। सुनने में तो यह भी आया है कि यह विश्व का सबसे अधिक बोला जाने वाला शब्द है। हेलो कभी भी, कहीं भी, किसी से भी और कितनी भी बार बोला जा सकता है। मैं दोहराता हूं, इसे कभी भी यानी सुबह, दोपहर, शाम, कहीं भी, घर हो, मकान हो, दुकान हो, कोई भी प्लेस हो, हर जगह बोला जा सकता है, किसी से भी, छोटा बड़ा। अगर बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी आपको प्रेस नहीं कर रही हो तो आप हर जगह हर व्यक्ति को हेलो बोल सकते हैं और कितनी भी बार बोल सकते हैं, ये अटपटा नहीं लगता। दोस्त लोग आपस में हाय भी बोलते हैं और यह बहुत ही प्रचलन में है। तो चलिए विश्वकर्मा दोहरा लेते हैं। फॉर्मल सर्कल्स में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग के साथ साथ गुड नाइट का प्रचलन है। इनके समय का ध्यान रखना जरूरी है। गुड बाय, बाय, हेलो, हाय समय से बंधे हुए नहीं है, पर ध्यान यह रखा जाना चाहिए कि मिलते समय हेलो और हाय बोला जाता है, जबकि बिछुड़ते समय बाय और गुड बाय बोला जाता है। विश किए बिना किसी से भी बात करना बहुत ही अटपटा लगता है और सभ्य समाज में इसे जनरल एटिकेट यानी सामान्य शिष्टाचार के विपरीत माना जाता है। यानी हम किसी से जाकर सीधे जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं उस मुद्दे पर बात नहीं करते, बल्कि उसे पहले जाकर अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग, हेलो वगैरह बोलते हैं, उसके बाद उसके हालचाल पूछते हैं, जिसे हम अगले यूनिट में आगे कहीं बताएंगे कि हालचाल कैसे पूछा जाता है, और उसके बाद ही अपनी बात की शुरुआत की जाती है। आइए एक डायलॉग की मदद से हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में विश कैसे किया जाता है। मान लीजिए एक लड़की है तान्या और एक लड़का है समर, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वे एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं या बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो तान्या कहती है हेलो समर, समर कहता है हाय तान्या, लुक आर प्रिंसिपल इज कमिंग। वह बताता है कि हमारे प्रिंसिपल आ रहे हैं। जब प्रिंसिपल पास आ जाते हैं तो दोनों बच्चे एक साथ कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, और प्रिंसिपल सर कहते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। यहां आपने देखा कि तान्या ने समर को हेलो बोला, समर ने उसे हाय बोला। दोनों ने जब प्रिंसिपल से बात की तो उन्हें गुड मॉर्निंग बोला, और चूंकि यह फॉर्मेलिटी थी इसलिए प्रिंसिपल ने भी वापस जवाब में गुड मॉर्निंग ही बोला। तो अनौपचारिक बातचीत में तान्या और समर ने हेलो हाय से ग्रीट किया, लेकिन फॉर्मेलिटी के कारण दोनों ने प्रिंसिपल से गुड मॉर्निंग सर कहा और उन्होंने भी गुड मॉर्निंग कहकर रिस्पॉन्ड किया। इन विशेष की आप प्रैक्टिस करते रहें और सीखते रहें आओ सीखो के साथ। तो अब समय है आपसे अलविदा कहने का, और अगर अंग्रेजी में मुझे आपसे अलविदा कहना है तो मैं कहूंगा गुड बाय, और आपको कहना ना होगा या बताना ना होगा, क्योंकि अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको भी मुझे गुड बाय कहना है। तो हम गुड बाय करते हैं और साथ ही ऐसा पक्का करते हैं कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जब तक हम इन जुमलों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये हमारी हैबिट का पार्ट नहीं बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।